बहुत बढ़िया फसल गुरु अलग ही वाइब होने वाली है आप समझ लो। अभी तो आप लोग को एकदम खाली खाली सड़कें दिख रही है ना, यहाँ तो मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में मुझे भी और आपको भी। रजा जब हम अभी आगे पहुँचेंगे 80 की तरफ तब हमें समझ में आएगा कि कैसे गाड़ी चलाना है और कहाँ चलाना है। अभी तो हम भी काफ़ी खुश हैं कि अरे यार भीड़ तो मिली नहीं रही है, क्या बात है गाड़ी तो अपनी निकली जा रही है। पर अभी देखते हैं आगे कैसा सीन है, क्योंकि एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। और ये तो है कि भीड़ तो बहुत होने वाली है, बट ये नहीं पता कि अब ब्लॉग कैसा बनेगा क्या नहीं बना। पूरी कोशिश है कि ब्लॉग अच्छा बनेगा और आप लोग को अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। तो बस चलते हैं आगे, देखते रहो। और यहाँ पे हमारे रूट डाइवर्जन के लिए हम फंस गए, इसीलिए हम गए थे हम घाट पे जाएंगे कैसे, बाइक जाने नहीं दे रहे। चल सर पार्किंग कहाँ, इधर फिर उधर कैसे जा सकते, कुछ तो होगा ना सर। ठीक है ये कह रहे आगे नहीं जाएंगे हम, गाड़ी कहाँ लगाएंगे। भैया जी हम लोग को रास्ता दिखाएंगे, SSRVLOGS बहुत मेहनत करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अरे वो तो बताने की बात कर रहा था रास्ता, वो तो यहाँ पे भाग रहा है वे, वो बोला हमें रास्ता बताएगा, वो तो भागते जा रहा है बंदा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं अपने गलियों के शहर से लेके जा रहा है। गलियाँ इसीलिए फेमस है, कहाँ तक रोकेंगे पुलिस वाले। ऊपर से यही बोले क्या, यही हमारा एक्सपीरियंस है गुरु। कहाँ अच्छा ये देखिए आप हम आ चुके हैं, बहुत बढ़िया फसल गुरु। फुटरेज बंद करो भैया, बनारस की गली मारा थे हम लोग आके। गलत जगह गाड़ी पहुंच गई है दोबारा, हम तो पार्किंग ढूंढ ढूंढ के पार्किंग ढूंढ लिया हमने, वहीं पे जा रहे हैं। यहीं पे होगी सही, आप नीचे करो मुंडी वरना ठक से। हाँ वही बोल रहा था, अभी जाता है। हेलो व्हाट्सअप, कैसे आप सब बता दो फटाफट, एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल SSRVLOGS। ठीक है फाइनली इतनी बड़ी मुस्कान इसलिए मेरे चेहरे पे क्योंकि हम पहुंच गए हैं 80 घाट, तो आप समझ सकते हो मुझे कितनी खुशी है। बाकी मैं आपको चलते चलते बात करूंगा, ठीक है। सुनसान सड़क यहाँ जहाँ आपको इतनी सारी बाइक मिलती हैं पार्क करने के लिए, आज यहाँ एक भी बाइक नहीं है क्योंकि वहाँ रास्ता बंद है। यहाँ पे अब जो भी आएगा सिर्फ पैदल आ सकता है, आप इस चीज़ को समझो। यहाँ पे चेकिंग चल रही है बैग्स की और जो भी मतलब आप इक्विपमेंट्स लेके अंदर जा रहे हो घाट पे, इधर भी लाइन है। मोबाइल हाथ में फुल चेकिंग। ओके
तो फाइनली घाट पर आ चुके हैं हम। अरे तिवारी कहाँ गया मेरा? तिवारी इधर है। यहाँ पे दिया का काम चालू हो चुका है। 11 लाख दिया लगने हैं, टोटल 11 लाख दिए लगने हैं। और ये देखो हम यहाँ पे तेल, मतलब अलग ही वाइब होने वाली है आप समझ लो, और इवनिंग होने के बाद तो और मजा आएगा। आप देख रहे हो मेरे पीछे पूरे बोट खड़े हैं। दिक्कत है, मतलब क्लिप निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट फिर भी आपका भाई फुल क्लिप निकालेगा और फुल वाइब के साथ आपको दिखाएगा। जैसे कि ये देखो पूरे नाव लगे हुए हैं किनारे से, सारे नाव बांध दिए गए हैं कि कोई ज़्यादा चले ना। अभी एक दो नाव चल रहे हैं, बट जैसे जैसे इवनिंग होगी और घाट का नज़ारा एक अलग ही, आज के दिन अलग ही नज़ारा दिखेगा आपको। ये देखें यहाँ पे बेड, पलंग, बिस्तर, तकिया, गद्दे, रजाई सब कुछ लगा हुआ है। किस लिए? लोगों को बैठ के एंजॉय करने के लिए, पर पता नहीं उन लोगों में मैं रहूँगा या नहीं। तो वो पता नहीं है मुझे कि मैं रहूँगा या नहीं, बट लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी ये देखो यहाँ पे सबने ऐसा बांध रखा है बैरिकेड की कोई ज़्यादा जब भीड़ हो तो कोई भी यहाँ से नीचे टपक सकता है, समझ रहे हो मेरी बात। छोटे बच्चे मेहनत करते हुए, यार एक सीन है। सीन ये है कि अगर मैं ब्लॉग तो कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉगिंग करते करते यहाँ इतने ज़्यादा दिए लगे हैं ना कि मुझे नीचे ध्यान देना पड़ रहा है कि कहीं मैं दिए पे चढ़ ना जाऊँ। तो कैमरे पे भी ध्यान देना है, दियो पे भी ध्यान देना है, और घाट पे भी ध्यान देना है, और लोग पे भी ध्यान देना है। काफ़ी मतलब भीड़ है तो उस हिसाब से देख के चलना, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ दिया कितना लाइन से लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ लेदर शो चलने वाला है जो कि ये पूरा ब्लॉक कर देंगे। सारी मीडिया यहीं पर है, बस हम भी मीडिया का ही काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। हम कर रहे हैं ब्लॉगिंग का काम, मीडिया कर रही है अपना काम। मैं तो वैसे डेली घाट पे आता हूँ, मतलब मैक्सिमम हम लोग हफ्ते में एक दो बार आ ही जाते घूमते घूमते। आज की जो सफाई हुई है ना घाट की, इतनी अच्छी सफाई मतलब मैंने पहले देखी नहीं है, सही बता रहा हूँ। ट्रस्ट, मतलब इतने सालों से देव दीपावली मनाई जाती है यहाँ पे, हर बार कुछ नया होता है, और इस बार इतनी ज़्यादा सफाई है, पानी इतने ज़्यादा साफ है, मतलब गंगा इतना ज़्यादा साफ हो गई है। ये देखिए यार कितना क्लीन है। फाइनली हमने जो अपना वॉकिंग डिस्टेंस शुरू किया था, हमने 80 घाट से कवर करना शुरू किया था, और अब हम आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट पे। तो मतलब हमने 2-3 किलोमीटर ऐसे ही पैदल चल दिया, लेकिन फुल एक्साइटेड और एक्साइटमेंट को लेके कि हमें कुछ नया देखने को मिलेगा, और बहुत कुछ देखने को मिला है। बट थोड़ा शाम होने दिए तो आपको भी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं फिर अगेन जाऊंगा वहाँ, यहाँ से दशाश्वमेध से 80। तो अभी मैंने आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई थी वो उसमें अभी दिया नहीं जल रहा, बट जब हम वापस जाएंगे तो सब कुछ दिया जलेगा। दिव्यता निहराते पीएम मोदी, यहाँ पे लाइव चल रहा है बनारस में, हम लोग घाट पे, और बनारस में यहाँ पे लाइव चल रहा है ऑन LED स्क्रीन।
और गंगा मैया की सेवा करना। आज पूरे विश्व में यही गंगोत्री सेवा समिति की आरती को देख करके लोग जगह जगह आरती करने लग गए। देखो आप बनारस की दिवाली, ठीक है। अभी तक आपने जो भी देखा था, ठीक है, दिवाली वाले दिन अगर आपने ब्लॉग देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। बट जिन्होंने ये बोला था कि भाई दिवाली बनारस में इस बार की दिवाली दिवाली नहीं लगी, तो ये ब्लॉग देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सीन है। समझ रहे हो आप? भैया ये लाइन है बाहर जाने के लिए, समझ रहे हो आप? ऐसा लग रहा है मजा आ रहा है कि नहीं गुरु बतावा, जिंदगी सफल होगी। बहुत बहुत मेहनत हुई है भाई, समझ रहे हो? वीडियो देखोगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत। भाई बहन दोस्त ये बुझ गए हम, लेकिन हम नहीं बुझे। घाट की आरती देखने में इतने मगन हो गए थे कि हम जियो का हमें ख्याल नहीं आया। फिर भी मैंने बहुत कुछ दिखाया आप लोग को, समझ रहे हो? तो अगर ब्लॉग में मज़ा आया यार, मेहनत लगी है, तो समझ रहे हो मेरी बात को कि आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और अब जो है हम जाएंगे घर, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। यार बहुत मेहनत हुई है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, और दिवाली में इतना मज़ा आया, मतलब दिवाली एक्चुअल दिवाली जो है बनारस की वो ये थी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, नेवर गिव अप, ऑलवेज ब्लेस्ड।